हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपको जेब्रा ZXP सीरीज 3 का ओरिंग बेल्ट कैसे चेंज करना है ये आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये हम ओपन किया हमने, इसको प्रिंटर खोलेंगे और ये आप देख सकते हैं प्रिंटर कैप के राइट साइड में दो स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इसको हम थोड़ा सा ओपन करना है, हल्का सा, पूरा नहीं खोलना इसको। सेम एज इट इज इसको भी ऐसे ही करना है हमें। जैसे ही हल्का सा आप ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये देखिए खुला हो गया है और ये निकल गया। अब आपको दिखाते हैं ओरिंग बेल्ट कहाँ पे है। ये हमारी ओरिंग बेल्ट है, ठीक है। और ये एक स्क्रू लगा हुआ है गाइस। बेल्ट निकालने से पहले ये स्क्रू जरूर आप खोल लेना। बेल्ट हमने निकाली, ठीक है। अब बेल्ट में, नई बेल्ट में और ये हमारी जो बेल्ट लगी हुई थी उसमें डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कितनी स्ट्रेच हो चुकी है ये नई बेल्ट की अपेक्षा में। ये हमारी ब्लैक वाली न्यू बेल्ट और ये आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम नई बेल्ट जो हमारी ओरिंग बेल्ट है उसको हम फिट करेंगे। एज इट इज जैसे हमने निकाली वैसे ही हम इसको लगानी है आपको। अब वापस से ये स्क्रू लगा देंगे हम जो हमने निकाला था। ये कवर कर दिया हमने इसको और फिर से हमने ये जो स्क्रू ढीला किया था इसको टाइट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट चेंज हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।